अब हरियाणा में बनकर हमारी बहुत बड़ी जीत है और इसमें हरियाणा का हित है। हरियाणा की के लिए जनता ने मतलब बीजेपी को दूसरे बार जनता में लाया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने पूरे देश का विकास किया है, हरियाणा विकास किया है। इसलिए जनता का हरियाणा जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ तीसरी बार बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश ये समझ रहा है कि देश की भलाई भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में है, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने में है, जिससे देश आर्थिक महाशक्ति बनके दुनिया का नेतृत्व कर सके। हरियाणा की जनता को मैं बहुत बधाई देता हूं उनकी सूझबूझ के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो इस बार का जो इलेक्शन हुआ है हरियाणा में खास करके, और इससे साफ ये दिखलाता है कि खास करके ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में जो काम हुआ है ग्रासरूट लेवल में उसका काफ़ी एप्रिसिएशन है। इसलिए कंपेयर टू 2019 जो स्टेट इलेक्शन हुआ है उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट बीजेपी को मिला है। तो इसका मैं क्रेडिट ऑनरेबल पीएम साहब और जितने भी हरियाणा के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको हम देना चाहेंगे कि उनका मेहनत के कारण से ये रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई है प्रधानमंत्री जी के विजिट को लेके, प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कामों को लेके, और ये जो प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास और जिस तरह की डेवलपमेंट की डबल इंजन की सरकार चलाई है ये उसका ही आज फलस्वरूप है कि प्रधानमंत्री जी के विजन। Headlines presented by पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटी बैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। थोड़ी देर बाद नायब सिंह सैनी लेंगे हरियाणा के सीएम पद की शपथ। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह, बड़ी संख्या में लोग शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने पहुंचे। सैनी के साथ कई विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। अनिल विज, राव नरबीर, कृष्णलाल पंवर, कृष्ण बेदी, रणवीर गंगवा, महिपाल ढांडा लेंगे शपथ। आरती राव और श्रुति चौधरी का नाम भी आया सामने। पंचकुला में दिग्गजों का जमावड़ा, शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी करेंगे शिरकत। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए घटक दलों के नेता भी होंगे समारोह में शामिल। शपथ ग्रहण से पहले नायब सिंह सैनी ने की भगवान वाल्मीकि मां मनसा देवी की पूजा अर्चना। नाडा साहिब गुरुद्वारा जाकर की अरदास, कहा सभी वादे पूरे करेगी बीजेपी। शपथ ग्रहण के बाद चंडीगढ़ में होगी एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अगुवाई। एनडीए के घटक दलों के अध्यक्ष और प्रमुख नेता होंगे शामिल। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में एक और गिरफ्तारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर सुखा पानीपत से गिरफ्तार। पानीपत के रेलकला गांव का रहने वाला है सुखा। रन्स प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटी बैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर सबकी नजरें रहेंगी, सैनी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। कौन से चेहरों को जगह दी जाएगी, क्या कोई अब भी चेहरा है जो बाकी है, क्योंकि लगातार पिछले एक हफ्ते से हम उन तमाम नामों को बता रहे हैं जो कि मंत्रिमंडल में आने वाले हैं, जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और याद रहे कि न्यूज 18 की खबर पर हर खबर पर मुहर लगी है, चाहे वो इलेक्शन की डेट हो, अनाउंसमेंट हो, इलेक्शन किस दिन होने हैं, किस दिन रिजल्ट्स आने हैं, किस दिन शपथ ग्रहण होगा, तैयारी कहां होगी, शपथ ग्रहण समारोह कहां होगा, हर खबर पर मुहर लगी है। और मंत्रिमंडल में किसको जगह दी जाएगी इस खबर पर भी आज तड़के सुबह से, जब से मंत्रियों को कॉल जाने लगी, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। फिलहाल ये तीन तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, दूसरी बार शपथ ली जाएगी। और जब 56 दिन का इनका कार्यकाल पूरा हुआ था, हरियाणा विधानसभा 2024 के चुनाव होने थे, तो इन्हें ही मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ा गया था। तीन तस्वीरें समझिए, हर तबके, हर रिलीजन, हर क्रीड को साधने की कोशिश बीजेपी की रहती है। वाल्मीकि मंदिर पहुंचे अपनी पत्नी के साथ, वहां पर महर्षि वाल्मीकि की पूजा अर्चना की। वाल्मीकि जयंती है और देखिए वाल्मीकि समाज का अगर बात करें तो 9 दलित विधायक ऐसे हैं जो कि चुनकर आए हैं बीजेपी के कोटे से, और ऐसे में बीजेपी शुरू से ही ये मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि दलितों को साथ में लेकर बीजेपी चलती है। और इसी के मद्देनजर नायब सैनी का वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर वाल्मीकि जयंती पर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि इसे पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर ना देखा जाए, ये पॉलिटिकल इवेंट बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि हम जनता को हर तबके से आने वाली जनता को साथ में लेकर चलते हैं। इसे राजनीतिक आयोजन इसलिए भी ना माने क्योंकि दलित समुदाय को हम साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, दलित समुदाय के साथ अपने संबंधों को सुरक्षित और ज्यादा मजबूत करने के इरादे से हम चल रहे हैं। ये एक स्ट्रेटेजी मानी जा सकती है, लेकिन बीजेपी इस स्ट्रेटेजी को जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट मान रही है। नाडा साहिब गुरुद्वारे की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जबकि मत्था टेकने शीश निवाने नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, और इसलिए भी क्योंकि एक बड़ा तबका हरियाणा में ऐसा है जो कि पंजाबी है। अनिल विज देखिए खुद भी पंजाबी है, और इसके पहले मनोहर लाल खट्टर एक बड़ा पंजाबी चेहरा था जिन्हें अब केंद्र में जगह दे दी गई है। तो नड्डा साहिब भी पहुंचे थे नायब सिंह सैनी, और उसके बाद मनसा देवी मंदिर पहुंचे हैं पंचकुला में ही, जहां पर माता के सामने उन्होंने जीत का आशीर्वाद दिया। ये तीन तस्वीरें तो आज की आप देख रहे हैं। इससे पहले आपको याद भी होगा कि मां कामाख्या के मंदिर चुनाव के पहले भी नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, और चुनाव के बाद जब उनकी मनोकामना चुनाव में जीत दर्ज करने की पूरी हो गई, सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी लगातार तीसरी बार काबिज हो गई, तो माता का धन्यवाद करने वो दोबारा मां कामाख्या मंदिर परिवार सहित पहुंचे थे। साथ में मनोहर लाल बड़ोली भी थे। तो तीन तस्वीरें नायब सिंह सैनी की कि किस तरीके से नायब सिंह सैनी ने अपने दिन की शुरुआत की है। लगभग 12 बजे का समय बताया जा रहा है कि संभवतः नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री भी पहुंच जाएंगे पंचकुला, और जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत करवाएंगे, शपथ दिलवानी शुरू करेंगे। और नायब सिंह सैनी के साथ साथ माना जा रहा है कि 11 ऐसे मंत्री हैं जो कि शपथ लेंगे, संभवतः दो सीट या एक सीट खाली रखी जाएगी कि अगर बात में किसी भी तरह की कोई नाराजगी या कहीं कुछ बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, कुछ मैनेज करने की जरूरत पड़ती है विधायकों को, तो उन विधायकों में से संभवतः वो दो सीटें वो दो मंत्री पद जो है वो दिए जा सकते हैं, मैनेज किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो नाम लगातार हम आपको बता रहे हैं, जिसमें राव नरवीर सिंह का नाम है, जिसमें कृष्ण बेदी का नाम है, जिसमें कृष्णलाल पंवार का नाम है, अनिल विज का नाम है, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का नाम है, राव इंद्रजीत की बेटी किरण राव का भी नाम है, तो ये तमाम वो मंत्री होंगे जो लगातार हम आपको बता रहे हैं आज शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे, विधायक से मंत्री बन जाएंगे। और वीवीआईपी मूवमेंट भी लगातार देखिए शुरू हो रहा है, और इसी वीवीआईपी मूवमेंट में हमने आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से बड़े नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं। चाहे आपने देखा कि किस तरीके से, ये देखिए शालीमार ग्राउंड की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चेकिंग की जा रही है, ढोल नगाड़ों की थाप, सांस्कृतिक झलक देखने को मिल रही है, पारंपरिक परिधान वेशभूषा में तमाम कलाकार पहुंचे हैं। इस लम्हे को और ऐतिहासिक बनाने की लगातार कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही थी, जिसकी झलक आप देख भी रहे हैं। तो हरियाणा को नया सीएम मिलने जा रहा है, और नया सीएम दरअसल पुराना चेहरा होगा, नायब सिंह सैनी ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। दूसरी बार ऐसा होगा जबकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, और इसी को लेकर तैयारियां लगातार की जा रही थी। और आपको बताएं 18 प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम हिस्सा लेंगे, भाजपा के सहयोगी दलों के नेता भी शिरकत करेंगे। और ये शालीमार ग्राउंड की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर 2024 में भी, माफ कीजिएगा, 2024 चल रहा है, और 2024 में जब सरकार शपथ लेने जा रही है तो यहां पर आयोजन किया गया है। लेकिन इससे पहले भी 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, और कांग्रेस के बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी, तब भी इसी शालीमार ग्राउंड में शपथ ग्रहण करवाया गया था। और शालीमार ग्राउंड से एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर यह आई थी कि दूध और जलेबी खिलाई जा रही थी, जलेबी का बड़ा मुद्दा बनाया गया था, क्योंकि लगातार कांग्रेस जब जीत का दावा कर रही थी और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाने की बात कर रही थी, तो एक दूसरे को जलेबी खिलाने की बात कर रही थी। तो अक्सर शालीमार ग्राउंड में जगह जगह हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्टॉल्स भी दूध और जलेबी के लगाए गए हैं, और लोग तंज कसते हुए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तंज कसते हुए कांग्रेस पार्टी पर एक दूसरे को जलेबी खिलाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह में सभी को ठंडा दूध पिलवाया जा रहा है, गरम गरम जलेबियां खिलाई जा रही हैं। आपको बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री और हरियाणा सह प्रभारी सुरेंद्र नागर ने कार्यकर्ताओं के साथ दूध के टैंकर लगवाए हैं, वहां पर जलेबियां बांटी जा रही हैं। शपथ ग्रहण में सभी को जलेबियां बांटकर एक तरीके से एक मैसेज कांग्रेस पार्टी को और उन तमाम नेताओं को देने की कोशिश है जो कि बीजेपी पर, बीजेपी की जीत पर सवाल उठाते रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसके पहले आपको बताएं कौन कौन से वीवीआईपी ऐसे हैं जो पहुंच चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और शपथ ग्रहण समारोह के बाद आपको बताएं कि एनडीए की जो बैठक होने वाली है उसमें भी
वो शामिल होंगे। वीवीआईपी मूवमेंट आपको दिखा रहे हैं। देखिए नायब सिंह सैनी की तीसरी अगर तस्वीर देखें तो माँ के चरणों में आशीर्वाद लेने आया हूं, नतमस्तक हूं, ये नायब सिंह सैनी ने कहा था और कहा कि हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़े इसके लिए मैं पुरजोर कोशिश करूंगा और उसके लिए मैं माता के पास आया हूं। हमारी सोच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा विकास करे। दूसरी तस्वीर जो बीच वाली है देखिए, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं चंडीगढ़, अब से कुछ ही देर में शालीमार ग्राउंड भी पहुंच जाएंगे। सब माता मनसा देवी के आशीर्वाद से पहुंचे हैं। जी जी जी, माँ के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। हमारा हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आगे बढ़े उसके लिए माँ के चरणों में। आज का दिन बड़ा अहम है, आप फिर सब जिस तरह से प्राथमिकताएं क्या क्या रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा है वो सब बातों को हम हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर मजबूती से उनको लागू करेंगे और हमारी सोच है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, तीव्र गति से विकास हो उसको लेकर के हम गति से काम करें। सर युवा बड़ा बेशक इंतजार कर रहे हैं, देंगे आप आज दे देंगे? देखिए हमारे कमीशन का रिजल्ट पहले ही तैयार था परंतु किसी कारणवश कांग्रेस जो युवाओं की हितैषी बनती है और युवाओं की विरोधी पार्टी है और उन्होंने कहीं न कहीं उसके ऊपर ब्रेक लगाई थी और अब उस ब्रेक को हटा दिया जाएगा और हमारे 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिलेगा। आप देख सकते हैं कि सीएम साहब माता मनसा देवी दरबार में पहुंच गए हैं और प्रधान जी मोहनलाल बडोली जी भी साथ हैं और माता मनसा देवी दरबार में अब वो मत्था टेकने के लिए। हरियाणा की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन, आज का विशेष दिन देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन, उनकी उपस्थिति में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार का बनना और नायब सिंह सैनी जी का दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेना और स्पष्ट बहुमत के साथ जो हरियाणा प्रदेश की जनता से जो अपील की थी कि स्पष्ट बहुमत की सरकार, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने और हरियाणा की जनता ने जो आशीर्वाद देने का काम किया है आज उस सरकार का शपथ ग्रहण का समारोह है और भव्य आयोजन होगा। इसमें हमारे अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता, इस प्रकार से एक बड़ी उपस्थिति इसमें रहेगी और बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती का अवसर है और भगवान वाल्मीकि जी जयंती का जो दिन 17 अक्टूबर का, ये भी एक संयोग की बात है। ऐसे दिन इस हरियाणा सरकार का तीसरी बार का शपथ ग्रहण समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्री, लगभग 17 प्रांतों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इस प्रकार से एक बड़ी हाजिरी रहने वाली। पहले वाल्मीकि मंदिर में मत्था टेका और फिर आशीर्वाद दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। इससे पहले आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हालांकि आंध्र प्रदेश से मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू नहीं पहुंचे हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश में जनसेना और टीडीपी की गवर्नमेंट है, अलायंस में है और ऐसे में हमने देखा कि आंध्र प्रदेश से डिप्टी सीएम पवन कल्याण, जो कि साउथ के बड़े स्टार भी हैं और पर्यावरण मंत्री भी हैं, उनकी मौजूदगी हमने देखी थी। वीवीआईपी मूवमेंट लगातार चल रहा है और अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा पहुंचे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। किसी भी वक्त अब से थोड़ी देर में वो शालीमार ग्राउंड पहुंचेंगे। देखिए एक बात इंपॉर्टेंट समझनी होगी कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या कुछ होगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक तो मंत्रिमंडल की बैठक नायब सिंह सैनी की ओर से ली जाएगी, लेकिन इसके अलावा दूसरी मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललित होटल में लेने वाले हैं। आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज के प्रकाश पर्व है और भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में आशीष सुनवाने का मौका मिला और उसके बाद अभी नड्डा साहब में
यहाँ गुरु घर भी गुरुओं के चरणों में शीश नवाने का मौका मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं, बिल्कुल देख सकते हैं कि प्रसाद ले रहे हैं मुख्यमंत्री, और कहीं ना कहीं जो 5 साल की शुरुआत है वो भगवान के चरणों से हो रही है। सीएम साहब, अब 5 साल की शुरुआत हो रही है तो किस तरह के छक्के मारने के इरादे हैं? गुरुओं का ही आशीर्वाद है और उन्हीं के आशीर्वाद से जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, हमारी सरकार उस दिशा के अंदर आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग यहां आ रहे हैं, आपके लिए विशेष दिन है? बिल्कुल, ये हरियाणा के लिए विशेष दिन है, हरियाणा के लिए बड़ा दिन है। दुनिया के हमारे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज उनके सानिध्य के अंदर शपथ ग्रहण समारोह है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज विरोधियों को भी देने की कवायद है इस शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से? नहीं, देखिए, हमने सबको आमंत्रित किया था, कोई हमें, हमारे लिए सभी आदरणीय हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे विपक्ष के जितने नेता हैं, हमने सभी को आमंत्रित किया था कि आज शपथ ग्रहण समारोह में वो यहाँ पर रहें और हमें आशीर्वाद मिले। 24,000 पदों को भी भरने की कहीं ना कहीं कवायद आज भरी जाएगी, क्योंकि वादा किया था आपने। तो बिल्कुल, आप देखिए, तो कहीं ना कहीं मत्था टेक रहे, एक कवायद जो थी कही थी आपने कि 24,000 पदों को जो है वो शपथ ग्रहण से पहले भरा जाएगा, वो भी एक शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं देखिए कि आप फेरी काट करके और आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और जेपी नड्डा आपसे थोड़ी ही देर में, ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं और थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा शालीमार ग्राउंड पहुंच जाएंगे। तो लगभग जितने वीवीआईपीज हैं वो पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार है। पारंपरिक तरीके से एयरपोर्ट पर सभी वीवीआईपी गेस्ट का स्वागत किया गया है। शुभ मुहूर्त की बात अगर की जाए, देखिए, बीजेपी परंपराओं को, संस्कृति को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है और इसीलिए मुहूर्त का भी संभवतः ध्यान रखा गया होगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी वाल्मीकि जयंती पर जानकारी ये मिल रही है कि 1:15 पर शपथ लेंगे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, शालीमार ग्राउंड की तस्वीर देख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर ये देख रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की, जबकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ के पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरीके से पवन कल्याण भी पहुंचे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर। नायब सिंह सैनी शपथ लेने वाले हैं दूसरी बार। पुष्कर सिंह धामी की आप तस्वीर देख रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे थे तब उनका फूल मालाओं के साथ उन्हें बुके देकर स्वागत किया गया। हरियाणा के सीएम शपथ ग्रहण के लिए अब तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आपने तस्वीरें देखी। ये देखिए, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण जनसेना के नेता हैं, कई दिग्गज नेता चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। बृजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम देख रहे थे, नागालैंड के आपने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को देखा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को देखा था आपने, माणिक शाह भी पहुंचने वाले हैं ऐसी भी जानकारी मिल रही है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे के बाद नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की और दूसरी बार लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोपहर 12 बजे के करीब चंडीगढ़ में लैंड होने की जानकारी है, जिसका मतलब यह है कि संभवतः 12:30 बजे शालीमार ग्राउंड प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के पहुंचते के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत तय मानी जा रही है। और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय आपको बताएं कि शपथ ग्रहण करवाते हुए नजर आएंगे और जो संभावित नाम लगातार न्यूज 18 आपको बता रहा था, वो संभावित नाम पर आज सुबह मुहर लगती हुई दिखाई दी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे ही ये शपथ खत्म होगा, तमाम एनडीए घटक दलों के जो नेता हैं वो होटल ललित पहुंचेंगे, जहां पर एनडीए गठबंधन की बैठक होने वाली है। एनडीए की बैठक चंडीगढ़ में पहली बार हो रही है, मोहनलाल बड़ोली की ओर से ये जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के हरियाणा दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। दोनों मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ के दोनों मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी हरियाणा के लिए रवाना हो चुके हैं और हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दौरे को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा था कि ये जो दौरा है ये वाकई बेहद खास है और ये जो जश्न है ये बेहद अहम। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।